सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। कस्तूरबा विद्यालय की 20 छात्राओं को लिया जिलाधिकारी जालौन ने गोद। उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन की कोच में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की 20 बालिकाओं को जिलाधिकारी जालौन ने गोद लिया है। उन्होंने कहा कि हमें बेटियों को बचाना है, पढ़ाना है और उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाना है। उन्होंने कहा कि बेसिक एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से इन गोद ली गई बच्चियों को जो भी सुविधाएं होंगी प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा शिक्षा के लिए उनके लिए हर संभव मदद की जाएगी। इस दौरान बालिकाओं को जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर ने ड्रेस और किताबें वितरित की। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने गोद ली गई 20 बालिकाओं को साइकिल भी प्रदान की। वहीं उन्होंने विद्यालय कैंपस में वृक्ष भी लगाए और सभी से कम एक वृक्ष लगाने की बात भी कही। माधोगढ़ से डॉक्टर विजय सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। देखिए, हम लोग पिछले साल भी हमने 21 बच्चियों को गोद लिया था जो कस्तूरबा में क्लास 8 तक पढ़ाई करती हैं। उनके बाद हम लोग चाहते हैं कि वो एटलीस्ट क्लास 10 तक की डिग्री उनके पास रहे ताकि वो जब भी बाहर जाएं तो उनको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोगों ने पिछले साल भी 20 बच्चियों को लिया था जो अब क्लास 10 में आ गई हैं, और इस साल भी हमने 20 बच्चियों को जो कस्तूरबा पढ़ रही थी उनको लिया है जो अब क्लास 9 की पढ़ाई जो है यहाँ करेंगे। इसको हम लोग जो भी हमारा ट्रस्ट है बेसिक एजुकेशन ट्रस्ट, उसके माध्यम से हम इनका स्पॉन्सरशिप करेंगे और हम कोशिश करते हैं कि जो आम पब्लिक है, सिटीज़न है, वो इन बच्चियों को अडॉप्ट करें ताकि इनका जो 2 साल का खर्चा है वो उससे हो जाए। बाकी सुविधाएं जो है हम लोग गवर्नमेंट के अन्य माध्यम से और कस्तूरबा गांधी की जो सुविधाएं उनको मर्ज करके हम लोग करवाते हैं। सर, वो बच्चियाँ जो 20 बच्चियाँ हैं वो कहाँ से नहीं, वो अलग अलग हमारे जितने कस्तूरबा गांधी हैं वहाँ क्लास 8 तक की पढ़ाई होती है, तो वहाँ पर जो बच्चियाँ या तो पढ़ने में ब्रिलियंट है या जो हमें पता है कि वो क्लास 8 के बाद अगर घर जाएंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ऐसी बच्चियों को हमने 8 कस्तूरबा से चुना। सर, क्या संदेश देना चाहिए? संदेश तो सिंपल है कि देखिए, बेटी को सिर्फ बचाना ही नहीं, बेटी को पढ़ाना भी है और बेटी को आत्मनिर्भर भी बनाना है ताकि भविष्य में जो है कोई भी जो है उनके रास्ते में जो है बाधा ना बन सके और वो अपना जीवन जो है अपने स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता से जो है जी सके।